So good morning dear students. Now today I have to start the next lecture in the chapter electrochemistry, that is your part 7. आइए बेटा, last topic में हम लोगों ने Nernst equation देखा था, और Nernst equation के साथ साथ हम लोगों ने देखा था उसके numericals और बहुत सारी conditions जिस पर Nernst equation काम करता है. आज हम लोग को electrolytic solution start करना है. क्या start करना है बेटा? अगर हम लोग देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पहला होता क्या है, ऐसे सॉल्यूशन जो आयंस फर्निश्ड कर देते हैं वाटर में, एक्वस सॉल्यूशन में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहते हैं. द आयंस द सॉल्यूशन व्हिच फर्निश्ड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इस कार्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. क्या बोलते हैं बेटा उसको? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहते हैं. ठीक है, तो बेटा देखिए सॉल्यूशन आपके दो टाइप के होते हैं. एक कहलाता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक कहलाता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो देखिए पहली बात तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों ने क्या देखा है, वो सॉल्यूशन जो क्या करते हैं आयंस फर्निश्ड करते हैं किस एक्वा सॉल्यूशन में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. इलेक्ट्रोलाइट बेटा दो टाइप के हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट आपके दो टाइप के हो जाते हैं. एक कहलाता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा कहलाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट. एक कहलाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा कहलाता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, देखो अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं ऐसे आपके सॉल्यूशन, ठीक है, जो आपके कम्प्लीटली आयनाइज हो जाए, कम्प्लीटली डिसोसिएशन हो, वो क्या कहलाता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है. और आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट वो कहलाता है जहाँ पास आपका कम्प्लीटली डिसोसिएशन ना हो. यानी अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग लेंगे तो क्या होगा, द इलेक्ट्रोलाइट विच द इलेक्ट्रोलाइट इज फर्निश्ड विच फर्निश्ड आयंस completely in aqueous solution, completely in aqueous solution is called what, strong electrolyte. और weak electrolyte के लिए क्या बोलेंगे, the electrolyte which does not furnish their ions, which does not completely या partially, हम लोग यहाँ पर सिर्फ partially लिख सकते हैं, partially furnished ions are called what, weak electrolyte. इसको हम लोग क्या कहते हैं आपका, weak electrolyte. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पास ये देखिए एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, लेट अस सपोज आपके HCl, ठीक है बेटा HNO3, ये सब आपके कैसे सॉल्यूशन है, कैसे इलेक्ट्रोलाइट है आपके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. क्यों? क्योंकि ये अपना आयंस को कम्प्लीटली फर्निश्ड कर देंगे, ठीक है, एक्वास सॉल्यूशन में, ठीक है. और यहाँ पास अगर हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपका एग्जाम्पल CH3COOH, अगर हम लोग CH3COOH की बात करेंगे तो यहाँ पास देखेगा CH3COO- प्लस HNS में जुटेगा, सही है ना, इसने भी आयन फर्निश किया. बट देखो कैसे ही अपने आयन को फर्निश करता है, कुछ देर बाद ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है, जिसकी वजह से इसके आयन्स कभी भी कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाते, ठीक है. यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपके वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो आपका कम्प्लीटली आयंस को फर्निश कर देते हैं एक्वा सोल्यूशन में, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कम्प्लीटली आयंस को फर्निश नहीं करते हैं एक्वा सोल्यूशन में. फॉर एग्जाम्पल जितने आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो सब आपके किस में आएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, और जितने आपके वीक एसिड्स हैं वो किस में आएंगे, आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे, ठीक है बेटा. तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. तो आइए बेटा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है. आप लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा होगा क्लास 10 में, ठीक है. अभी हम लोग कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक साथ देखेंगे, कंडक्टेंस देखेंगे, रेजिस्टेंस देखेंगे, कंडक्टिविटी देखेंगे और रेजिस्टिविटी देखेंगे. तो आइए हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कंडक्टेंस. तो अगर हम लोग देखो कंडक्टेंस की बात करेंगे तो कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, पहला रेजिस्टेंस वो होता है बेटा, हम लोगों ने कहा था रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस को हिंदी में अवरोधक कहते हैं,
ठीक। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ करंट, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ क्या जी, व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट? रेजिस्टेंस। लेकिन अगर हम कंडक्टेंस की बात करें तो कंडक्टेंस बेटा जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। तो कंडक्टेंस की बात करें तो कंडक्टेंस इज व्हाट? ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। मतलब किसी भी कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर जा रहा है तो वो क्या कहलाता है आपका? कंडक्टेंस कहलाता है। तो यानी कंडक्टेंस के लिए आप लिख सकते हैं ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड कंडक्टेंस। उसी को हम क्या कहते हैं? कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है बेटा। तो यानी ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कंडक्टेंस एंड द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट? रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? ओम होती है। एसआई यूनिट क्या होती है आपकी? ओम होता है, ठीक है ना। हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था, ठीक है। जबकि अगर हम लोग कंडक्टेंस की बात करेंगे तो कंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो आपका म्यू होता है। म्यू क्यों होता है? क्योंकि देखो अगर हम लोग लिखना चाहें तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या है, रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, सही है ना। क्यों? क्योंकि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जाहिर सी बात है यानी जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें कंडक्टेंस ज्यादा होगा, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें क्या होगा? कंडक्टेंस कम होगा। तो यानी यहां पर अगर हम लोग एसआई यूनिट की बात करें तो ये रहा ओम, ठीक है। अगर ओम को ले लेंगे तो हमारे ये ओम इनवर्स हो गया और ओम इनवर्स को ही हम लोग म्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यू बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका क्या चीज? कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के बाद, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के बाद हम लोगों ने देखा था कि जो कंडक्टिविटी होती है बेटा, जो भी कंडक्टेंस होती है बॉडी में, वो दो टाइप की होती है। एक मेटैलिक कंडक्टेंस होता है और एक क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है। क्या होता है बेटा? एक मेटैलिक कंडक्टेंस होता है और एक क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है। और इसी को हम लोग टेम्परेचर के प्रेजेंस, टेम्परेचर के इफेक्ट में भी हम लोग इसको वॉच करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कंडक्टेंस आपका, अगर हम लोग कंडक्टेंस की बात करें तो कंडक्टेंस आपका कितने टाइप का? दो टाइप का। कंडक्टेंस कितने टाइप का बेटा? कंडक्टेंस आपका दो टाइप का। एक कहलाता है क्या जी? एक कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक, सॉरी एक कहलाता है मेटैलिक कंडक्टेंस, क्या जी? मेटैलिक कंडक्टेंस। और दूसरा कहलाता है आपका क्या जी? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ठीक है। क्या जी? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस आपका एक्वा सॉल्यूशन में होता है, ठीक है। इसमें होता है एक्वा सॉल्यूशन में। और मेटैलिक कंडक्टेंस आपका क्या होता है? मेटल बॉडी में होता है, ठीक है। तो मेटल बॉडी में आपके जो मेटल बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन जो आपके करंट को कैरी करके ले जाते हैं वो होते हैं आपके क्या जी? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन। जबकि आपके इलेक्ट्रोलाइटिक यानी एक्वा सॉल्यूशन में जो होते हैं वो कौन ले जाते हैं? आपके आयंस ले जाते हैं। कौन ले जाता है? आयंस ले जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन करंट को फ्लो करा के ले जाता है। आइए देख लेते हैं। यहाँ पर लेट अस सपोज ये देखिए, हमारे पास लेट अस सपोज ये मेटल बॉडी है, क्या है ये मेटल बॉडी है। और इस मेटल बॉडी में हमने कहा ये आपको पर्टिकुलर एटम है और इस पर्टिकुलर एटम में इलेक्ट्रॉन लगातार क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। ये देखो इस पर्टिकुलर एटम में आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लगातार फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये रहा, ठीक है। यहाँ इस तरह से आपका पर्टिकुलर एटम में आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। तो अगर इस पर्टिकुलर आपके एटम में इलेक्ट्रॉन लगातार आपको फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आप रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, सही। अगर मान लो यहाँ पर करंट कैरियर की बात करेंगे तो करंट कैरियर कौन होता है? आपका इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो लेट अस सपोज अगर मैंने यहाँ पर करंट को कैरी कराया, इस तरफ से मैंने करंट को कैरी कराया, तो ये तुरंत ये वाला इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा, ये लगातार क्या हो रहा है? ये लगातार मूवमेंट कर रही है इलेक्ट्रॉन, ये लगातार क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रही है इलेक्ट्रॉन। ये जाएगा ये इधर, ये इधर से गया और इधर से ये मोशन कर रहा है, तो इधर गया फिर ये मोशन कर रहा है, इधर गया फिर ये मोशन कर रहा है, इधर गया और फिर मोशन करते करते ये दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन आपके करंट को ले जाकर क्या करते हैं? फ्लो कराते हैं। तो इस तरह से आपका क्या होता है? मेटैलिक कंडक्टेंस में आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्लो होता है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में आपके क्या होते हैं? आयंस ब्रेक होते हैं, ठीक है। बेटा हम लोगों ने क्लास 10th में ओम्स लॉ पढ़ा था, ठीक है। ओम्स लॉ से जुड़ा हुआ एक टॉपिक हमें छोटा सा पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं आप क्या चीज आपका
ओम्स लॉ, ठीक है। तो आइए आपको देखते हैं ओम्स लॉ के बारे में कि ओम्स लॉ आपका कैसे काम करेगा, ठीक है। तो ये देखो ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ था आपका, ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ था आपका इफ शोज द रिलेशन बिटवीन द वी एंड आई, कैसे इसके किस के बीच में रिलेशन शो कर रहा था, किसके किस के बीच में वी एंड आई के बीच में। तो हम लोग ने यहाँ बात पढ़ा था वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेक्ट, कैसे वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेक्ट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, है ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका करेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो साइन बनेगा तो इधर कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा और कांस्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा आपका आर आई है, जबकि यहाँ पर आर जो है वो क्या है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, क्या चीज़ है प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, और इसी प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं आपका रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाले थे तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया था आपका वी अपॉन आई हो गया था, ठीक है। जब इसकी हम लोग एसआई यूनिट निकाले थे तो एसआई यूनिट के लिए आपका क्या हो गया था आर इक्वल टू, ये देखो वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसमें नापते हैं आपके वोल्ट में और आपका करंट को किसमें नापते हैं एम्पियर में, यानी वोल्ट अपॉन एम्पियर और वोल्ट अपॉन एम्पियर ही क्या कह रहा था आपका ओम कह रहा था, क्या कह रहा था बेटा ओम कह रहा था, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, और डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस में हम लोगों ने रेजिस्टिविटी के बारे में देखा था, तो अब हम लोग देख लेते हैं आपका डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको मैं कह रहा हूँ ये क्लास के अंदर टॉपिक था रेजिस्टेंस को समझाना था, तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट आपने क्या देखी ओम देखी और इसी को वोल्ट पर एम्पियर भी कहते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो कि डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस का, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हम रेजिस्टिविटी को डिराइव करने जा रहे हैं, और उस रेजिस्टिविटी के लिए हम लोग एक छोटा सा बस टॉपिक उठाएंगे जो कि जिस पर आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या चीज रेजिस्टेंस। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग अगर रेजिस्टेंस की बात करें हम लोग तो यहाँ पर पहला क्या था याद रखें कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, यानी तार कितना लंबा होगा उतना अधिक आपका क्या होगा उसमें रेजिस्टेंस होगा, और यही कारण होता है कि जो आपके हीटिंग कॉइल्स होते हैं, जो आपके हीटिंग कॉइल्स होते हैं ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, उसमें आपकी कॉइलिंग की जाती है, कॉइलिंग करने से आपका तार का लेंथ क्या होता है बढ़ जाता है, और जब तार का लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस उसमें क्या होगा ज़्यादा होगा, ठीक है। आपने हीटर इस्तेमाल किया है, अब कोई भी आप रेजिस्टेंस वायर आप देखोगे तो हमेशा उसको क्या कर दिया जाता है कॉइलिंग कर दी जाती है, कॉइलिंग इसीलिए की जाती है ताकि लेंथ बढ़ जाए, और लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, और उसमें हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। आइए हम लोग सेकेंड देखते हैं, सेकेंड हम लोगों ने लिखा था कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेजिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम लोग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बोले जैसे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट एल बाई ए, क्या मिलेगा हमें आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है तो सिग्नल सी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर आर इज इक्वल टू आया था वो एल बाई ए। व्हाट इज दिस एल इज द लेंथ ए द क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस इज व्हाट रो, सिंपल को हम लोग क्या बोलते हैं अपना रो बोलते हैं, एंड व्हाट इज रो दिस रो इज व्हाट दिस इज व्हाट प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, क्या चीज बेटा प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, और इसी प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं रेजिस्टिविटी कहते हैं, क्या कहते हैं रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है ना। यानी अगर हम लोग यहाँ से रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालें तो रेजिस्टिविटी पहले बराबर कैलकुलेट कर लो, तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू आप कैलकुलेट कर लोगे दिस आर इंटू ए अपॉन एल, क्या चीज आर इंटू ए अपॉन एल, और अब जब इसकी एसआई यूनिट तुम कैलकुलेट करके जाओगे तो एसआई यूनिट आपका क्या हो जाएगा रो इक्वल टू रेजिस्टेंस को किसमें नापते हैं ओम में, एरिया किसमें होता है मीटर स्क्वायर में, और लेंथ किसमें मीटर में, तो ये मीटर से मीटर क्या है रो इक्वल टू क्या आ गया आपका ओम मीटर आ गया, क्या आ गया बेटा ओम मीटर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या निकाला आपका रेजिस्टिविटी की यूनिट निकाली, जैसे आपका रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ कंडक्टेंस था वैसे ही रेजिस्टिविटी से जुड़ा हुआ एक टर्म है जिसको हम लोग कंडक्टिविटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा कंडक्टिविटी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि कंडक्टिविटी वास्तव में क्या होता है। तो ये देखो अगर हम लोग इसी रेजिस्टिविटी को यानी इसी रेजिस्टिविटी को इसी लेंथ को इसी एरिया को और इसी रेजिस्टेंस को
ठीक है, यहाँ पास अब ये देखो बेटा, ठीक है, और यहाँ पास इसको हम किससे कनेक्ट कर दें, एक बल्ब से कनेक्ट कर दें, और बल्ब से कनेक्ट करते करते एक इसको हम लोग बैटरी से भी इसको जोड़ दे रहे हैं, और यहाँ पास हम लोग क्या डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डालते हैं, क्या डालते हैं आपका, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डाल दें, ठीक है। तो यानी अगर हम लोग यहाँ पास लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करेंगे, तो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए दिस डिस्टेंस बिटवीन द, ठीक है, दिस डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, दिस डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज द लेंथ एंड हियर इज द इलेक्ट्रोड दैट इज डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जितना भी इलेक्ट्रोड का पार्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डूबा हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। और किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर एक बार हम लोगों ने इलेक्ट्रोड सेट कर दिया, तो इलेक्ट्रोड सेट करने के बाद आपका एरिया यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना डूबा हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपका इलेक्ट्रोड, वो आपका कांस्टेंट हो जाता है, और जो इनके बीच में गैप होता है वो भी कांस्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से एल और ए क्या होते हैं, यहाँ पास कांस्टेंट होते हैं, क्या होते हैं बेटा, एल और ए यहाँ पास कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पास अगर हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे, तो रेजिस्टेंस इसका जो रो एल बाई ए, क्या है, रो एल बाई ए, और ये एल बाई ए यहाँ पास ये क्या है आपका कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इसको हम लोग जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आज के जो रो जी स्टार हम लोग देखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी सॉल्यूशन से, इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से जुड़ा हुआ। तो बेटा आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमने कहा यहाँ पर सेल और ए जो होता है कांस्टेंट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं हमारे पास, तो हमारे पास क्या मिला, जैसे आपका R इक्वल टू 1 अपॉन क्या था, कंडक्टिविटी, क्या चीज, 1 अपॉन कंडक्टिविटी दैट इज C, ठीक है, या G से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको। उसी तरह से अगर हम लोग रेजिस्टिविटी की बात करेंगे, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी के लिए आपने जो वैल्यू निकाली आज का जो रो, ठीक है, एल अपॉन ए, ठीक है ना, हियर वन टर्म रेजिस्टिविटी को जो आपका इनवर्स ले जाता है, जैसे नोन एज व्हाट, कंडक्टिविटी, क्या चीज बेटा, कंडक्टिविटी, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज, देख सकते हो, ठीक है, इज नोन एज कंडक्टिविटी, नोन एज कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल के से, एंड दिस स्मॉल के इज नोन एज कापा, क्या कहलाता है, ये कापा कहलाता है, स्मॉल के इज कॉल्ड द कापा। तो जाहिर सी बात है यहां पर हम लिख सकते हैं कि आपका k इक्वल टू 1 अपॉन रो, सही है, यानी अगर हम लोग रो की वैल्यू यहां पर लिखेंगे तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन k, सही है ना, k इज नॉट कंडक्टिविटी, यानी यहां पर आपका किस किस मटेरियल पर डिपेंड करती है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि कंडक्टिविटी आपका किस किस मटेरियल पर डिपेंड करती है। तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा, आइए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, कंडक्टिविटी के बारे में। तो नेक्स्ट जो है आपका डिपेंडेंसी ऑफ कंडक्टिविटी, तो डिपेंडेंसी ऑफ कंडक्टिविटी के बारे में आइए देखते हैं। साइज ऑफ आयंस कैसे, जैसे कोई बहुत सारे
आपके क्या होंगे, स्मॉल होंगे। अब बहुत सारे आपके इलेक्ट्रोलाइट है जिसके आयंस आपके क्या होंगे, इसके आयंस आपके क्या होंगे, बिग होंगे। तो जिसके आयंस बिग होंगे उसके आपके कंडक्टिविटी क्या होगी, अच्छी होगी। और जिसके आयंस स्मॉल होंगे उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। फिर है आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट विस्कोसिटी, यानी डायरेक्ट की बात है विस्कोसिटी का मतलब, विस्कोसिटी का मतलब है आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ लिक्विड, यही तो पढ़ा था। तो यहाँ पास अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो हम ले रहे हैं ये बहुत ज़्यादा विस्कस हो गया, यानी विस्कोसिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ गई, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ढंग से, यानी आयंस ढंग से फ्लो नहीं कर पाएंगे। यानी अगर जितना अधिक आपका विस्कोसिटी कम होगी आयंस का फ्लो उतना अच्छा होगा, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो कंडक्टिविटी दे रहा है वो आपकी अच्छी देगा। एक तीसरा है आपका टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका आयंस का फ्लो या इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बाद मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज करेगा, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंडक्टिविटी के। या वो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी की क्या होगी, डिक्रीज होगी, और यहाँ पर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये थे आपके बेटा फैक्टर्स जो कि आपके अफेक्ट कर रहे थे किसको, आपको कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन को। अब आप हम लोग देखते हैं यहाँ पास SI यूनिट्स, जो हम लोगों ने चार टॉपिक पढ़ा, क्या क्या था चार टॉपिक आपका, आपका कौन कौन सा था, एक आपका था रेजिस्टेंस, दूसरा था आपका कंडक्टेंस, तीसरा क्या था आपका, बोलो जल्दी से, रेजिस्टिविटी, और चौथा क्या था आपका, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि आपके इनसे रिलेटेड जो भी इनके SI यूनिट है उसके बारे में। अगर हम लोग SI यूनिट की बात करेंगे, SI यूनिट की बात करेंगे, SI यूनिट में ये देखो, SI यूनिट में पहला क्या है आपका, रेजिस्टेंस। क्या चीज बेटा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की आपने SI यूनिट क्या पढ़ी थी, ओम, क्या पढ़ी थी, ओम। ठीक है, जबकि आप अगर हम लोग, अच्छा इसका सिंबल क्या था आपका, कैपिटल R। ठीक, जबकि आप अगर कंडक्टिविटी की बात करोगे तो कंडक्टिविटी को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पास। ठीक है, ये रहा आपका क्या, नहीं सॉरी कंडक्टेंस, तो ये रहा आपका कंडक्टेंस। ठीक है, और कंडक्टेंस की जो कंडक्टेंस जो होता है वन अपॉन रेजिस्टेंस होता है, तो ग्रेविटी बाद इसके साई यूनिट निकाले तो वन अपॉन ओम, दैट ओम इनवर्स, और इसी ओम इनवर्स को उल्टा कर दिया जाता है तो इसी को हम लोग म्यू भी पढ़ते हैं। क्या जी, म्यू, और ओम इनवर्स को एक सिंबल और इसको हम लोग साइमन के नाम से भी जानते हैं, इससे भी हम लोग रिलेट करते हैं। तो ओम इनवर्स कह लो या म्यू कह लो या तो आपका साइमन कह लो, कैपिटल एस जिसको हम लोग क्या कहते हैं आपका, साइमन कहते हैं, साइमन इज द सिंबल ऑफ व्हाट, कंडक्टेंस। नाउ देयर इज द नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, रेजिस्टिविटी। अगर रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी की यूनिट आपने पढ़ा आर इनटू ए अपॉन एल, ये तो पढ़ा था। जाहिर सी बात है अगर हम यहां पर सीधे एसआई यूनिट निकालेंगे तो रेजिस्टेंस आपका ओम हो गया, एरिया आपका मीटर स्क्वायर, और लेंथ कितना आपका मीटर, ये कैंसिल हुआ था आपका आया था क्या ओम मीटर, क्या आया था ओम मीटर, और हाँ ठीक है क्या आया था ओम मीटर आया था। जबकि अगर हम लोग कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी यानी तापा, दैट इज वन अपॉन रेजिस्टिविटी, तो जाहिर सी बात है वन अपॉन ओम मीटर। सही है ना, एसआई यूनिट कैलकुलेटर है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पास ये देखो ओम मीटर को जब ऊपर ले आओगे तो दिस इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और यहाँ पास ये ओम इनवर्स है, दिख रहा है ओम इनवर्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइमन भी कहते हैं। तो यहाँ पास साइमन मीटर इनवर्स, यानी इसी को हम लोग साइमन पर मीटर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग उन्हें एसआई यूनिट देखी आपका रिलेटेड, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, और क्या चीज़ आपका, कंडक्टिविटी से। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका मेटैलिक कंडक्टेंस इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक है आपका क्या, मेजर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मेजर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कैसे बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की हमें क्या कैलकुलेट करनी है, हमें कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पास ये देखो, हम लोग पहले हम लोग एक कंटेनर ले लेते हैं, और इस कंटेनर में हमारे पास क्या है, आपके दो इलेक्ट्रोड्स हैं, क्या है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, और इन दो इलेक्ट्रोड्स को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, बल्ब से। बल्ब के साथ साथ यहाँ पास क्या लगा दिया, बैटरी लगा दी। तो हम लोग इसको ऐसे ना करके, हम लोग इसको, हम लोग कुछ ऐसे ट्यूब के फॉर्म में ले रहे हैं, ये रहा, ताकि आपके डाउट
प्लेट लगा दिया, और ये प्लेट जो है किससे जुड़ा हुआ है, अपना बैटरी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी से जुड़ा हुआ है। बैटरी के साथ साथ इसको किससे कनेक्ट कर दिया जाए, बल्ब से। इससे कनेक्ट कर दिया जाए बल्ब से। और यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आपका सोल्यूशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ते हैं, सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या कहलाया है आपका, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कहलाएगा। तो यानी क्या इसी बात है, यहाँ पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। यहाँ पास हमने कहा ये दिस एरिया ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रोड दैट इज लिफ्ट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज नोन एज व्हाट, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पास यही हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में। और इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोड के बीच में जो आपका डिस्टेंस होता है वो हम लोग इसका लेते हैं लेंथ के तौर पर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पास लेंथ और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपका क्या होता है, डेप्थ होता है, ठीक है, फिक्स होता है, कॉन्स्टेंट होता है। और अगर हम यहाँ पास ये जो आपका मेटेलिक जो भी आपने इलेक्ट्रोड लिया है, इसमें मेटेलिक इलेक्ट्रोड की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर बड़ा परफोरेशन होता है। परफोरेशन मतलब उसी मेटल में इस तरह से क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े ऊपर से चिपका दिए जाते हैं। एक्चुअली छोटे छोटे टुकड़े चिपकाना ही परफोरेशन कहलाता है। और परफोरेशन इसलिए किया जाता है ताकि इसका सर्फेस एरिया इंक्रीज हो जाए। जाहिर सी बात है सर्फेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो हम लोग पढ़ा था केमिस्ट्री में रिलेटेड, और ये से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, सर्फेस एरिया। सर्फेस एरिया बढ़ने से रेट रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पास क्या कर दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज करने के लिए, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पास क्या कनेक्ट कर दिया, यहाँ पास क्या कर दिया, परफोरेशन कर दिया उस प्लेट पर, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पास कब हम लोग यहाँ पास क्या किए थे। ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मुझे रेजिस्टेंस समझाया था, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए था, और एल बाई ए हमारा कॉन्स्टेंट था, रो रो जो था वो आपका रो इक्वल टू वन अपॉन क्या थी, वन अपॉन कापा लिख सकते थे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आर इक्वल टू वन अपॉन कापा, और इसकी जगह क्या थी, जी स्टार। जी स्टार इज व्हाट, सेल कॉन्स्टेंट के इज व्हाट, कंडक्टिविटी। तो अगर यहाँ से आपका कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाले तो कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी स्टार अपॉन इस तरह से हम लोगों ने क्या कर लिया, कंडक्टिविटी का आपको वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। जी स्टार वैल्यू एल और ए की वैल्यू दिया रहेगा, और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आपको दी रहेगी। नहीं तो हम लोग अगर रिएक्टिव पोटेंशियल और करंट दे दिया तब भी हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब आओ बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि किस तरह से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जुड़ा हुआ है किससे, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है आपका मोलर कंडक्टिविटी। क्या चीज़, मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए उसको देखते हैं। तो ये बेटा हमारा मोलर कंडक्टिविटी, हमारा टॉपिक है मोलर कंडक्टिविटी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि आपका जो कंडक्टिविटी होता है वो किस पर डिपेंड करता है, कंडक्टिविटी आपका टेम्परेचर पर भी डिफेक्ट करता है, सही है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, फिर साथ में आपका कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इस पर कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है, और कंसंट्रेशन हम लोग किससे मेजर करते हैं, मोलैरिटी से। किससे, मोलैरिटी से, सही है ना। यानी मोलैरिटी जितनी अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होगा तो वहाँ पास हमें क्या होना चाहिए, डिसोसिएशन भी उतना ही अधिक होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें आपका मोलर कंडक्टिविटी की, तो मोलर कंडक्टिविटी में देखो, मोलर कंडक्टिविटी में हमारे पास क्या है आपका, लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, तो एक एग्जांपल में आपका CH3COOH है, ठीक है। तो क्या ये जो हम लोगों ने CH3COOH लिया है ये आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, नहीं। यहाँ पास क्यों, क्योंकि यहाँ पर आयन पब्लिश नहीं हुए, तो यहाँ पास हम क्या चाहिए, डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जबकि हम लोग इसको स्प्लिट कर देंगे तो CH3COO- प्लस एच प्लस में जुड़ेगा। जैसे ये आयन परमिश होंगे ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देगा, सही है ना। तो उधर वाला इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, इधर वाला इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पास आयन स्प्लिट नहीं हुए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पास आयन स्प्लिट नहीं हुए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर लेगा, और वहाँ पास आयन स्प्लिट हो गए इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। यही होती है आपकी आयनिक सोल्यूशन की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी की। जब तक कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस को फर्निश नहीं कर देता तब तक वहाँ पास इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर बेटा हम लोग पढ़ना था मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी को अगर हम इससे रिलेट करें तो रिलेट करने पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लेना है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेकर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेकर हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें कनेक्ट करना है एक बैटरी से, और बैटरी के साथ
साथ साथ हमें किससे कनेक्ट करना है, एक बल्ब से। और यहाँ पास एक सोल्यूशन कर देना, और सोल्यूशन कैसा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा, CH3CW है। तो अगर हम लोग मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे, तो मोलर कंडक्टिविटी जाहिर सी बात है मोलरिटी से रिप्रेजेंट करता है, और कोई भी अगर कंडक्टिविटी होगी तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, मोलर कंडक्टिविटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, कंडक्टिविटी के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंसंट्रेशन के, किसके, कंसंट्रेशन के। तो अगर हम लोग यहाँ पर तो यानी मोलर कंडक्टिविटी डिफाइंड एज द, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द, ठीक है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई वॉट, कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। इसको हम एक अच्छा सा डेफिनेशन आपको बता देते हैं इससे रिलेट करके। यहाँ पास अगर हम पहले देख लो कि मोलर कंडक्टिविटी बराबर बन जाता है, इतना ध्यान रखना, कंडक्टिविटी अपॉन क्या चीज़, कंसंट्रेशन, क्या चीज़, कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन। तो यानी अगर मोलर इज इक्वल टू आपका SI यूनिट निकाले जा रहा हूँ, क्या निकालने जा रहा हूँ, SI यूनिट, SI यूनिट जब कैलकुलेट करूँगा तो कंडक्टिविटी की यूनिट थी क्या थी, बोलो, कंडक्टिविटी की यूनिट थी साइमन मीटर इनवर्स। और कंसंट्रेशन किस में मेजर करते हैं, मोल पर लीटर में, तो लीटर 1 लीटर बराबर कितना मीटर क्यूब, सही है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम, मोल पर मीटर क्यूब, यानी यहाँ पर ये रहा मोल, ठीक है, पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो ये आपका ऊपर चला जाएगा तो लैम्डा एंगल, यानी मोलर कंडक्टिविटी के जो एसआई यूनिट आएगी वो आएगी साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, क्या थी, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन करता है कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी जितनी अच्छी होगी उतना ही आपका उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी भी अच्छा होगा, ठीक है। और यहां पर कंसंट्रेशन के लिए क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्यों, क्योंकि यहां पर डिपेंड करेगा किस पर, आपका डिसोसिएशन पर, ठीक है। तो बेटा ये रहा आपका टॉपिक, क्या चीज, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब मोलर कंडक्टिविटी का अगर हम लोग डाइल्यूशन के टर्म में देखें, इसमें बेटा डाइल्यूशन के टर्म में अलग अलग कॉन्सेप्ट देखना है, डाइल्यूशन के टर्म में देखें तो डाइल्यूशन के टर्म में हमें ये जो टॉपिक है वो आपका नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो डाइल्यूशन के टर्म में हम लोगों ने जो देखना है कि कैसे अगर हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को जितना डाइल्यूट करते चले जाएं, तो जाहिर सी बात है अगर तुम डाइल्यूट करते चले जाओगे तो वहाँ पास जो आयंस का कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, और आयंस का अगर कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज होता चला गया, ठीक है, इन कंपेरिजन टू द डाइल्यूशन, जितना वाटर मिलाओगे वाटर के कंपेयर में जो आयंस के कंसंट्रेशन है वो लगातार क्या होगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। और जाहिर सी बात है अगर आयंस वाटर के कंपेयर में डिक्रीज करता चला गया तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी घटती चली जाएगी, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने देखा बेटा कंडक्टिविटी के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में, और मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, और कैसे इसका एप्लीकेशन है आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप ये टॉपिक्स आप अच्छे से देख लो, और देखने के बाद आप इसकी नोट बना लो, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल लेकर मैं आऊँगा, ठीक है, और इसका एप्लीकेशन देखूँगा न्यूमेरिकल में कैसे इसका इस्तेमाल होता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।